पन्नगे चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में दसवें आलियम एक आगम है जो चारित्रात्मा उसे बहु परिचित होता है, क्योंकि बहुत से चारित्रात्माएं संभवतः है दसवें आलियम को पूर्णतया या कोई अपूर्णतया भी हो सकता है कंठस्थ करते हैं। वहाँ जो सामान्य पुब्बयम अध्ययन है वहाँ कहा गया है जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठि कुब्बई साहीणे चय इ भोए सेहु चाइति उच्चय। कि त्यागी कौन होता है अभाव और विवस्था में, जो भोग सेवन नहीं कर सकता वह त्यागी नहीं होता। गहने आभूषण पास में है ही नहीं, इतना दारिद्र्य है, निर्धनत्व है कि अलंकार आभूषण पास में है ही नहीं। वो कहे मैं कितना त्यागी हूँ, मन में तो लालसा है पर विवस्तावश आभूषण पहन नहीं सकता, वह भावतः त्यागी नहीं हो सकता। तो त्यागी कौन है? जो उपलब्ध हैं कांत प्रिय भोग उनको जो पीठ फेरकर छोड़ देता है, भीतर से त्याग कर देता है, और कभी पास में भोग सामग्री नहीं है तो भी भीतर से विरक्ति हो जाती है, तो वह व्यक्ति त्यागी बन सकता है। आदमी के जीवन में वह समय भी कितना महत्वपूर्ण होता है जब वह सर्व विरति रूप त्याग को चारित्र को स्वीकार कर लेता है। अनंत काल की यात्रा में भी वे समय धन्य हैं जो समय चारित्र के पालन में प्रयुक्त होते हैं, व्यतीत होते हैं। हमारा धर्म संघ जो भगवान महावीर के शासन से जुड़ा हुआ है वही उसी शासन का अंग भूत है, और परम वंदनीय आचार्य भिक्षु से संबद्ध है। आचार्य भिक्षु मानो हमारे धर्म संघ के जनक हैं, और इस धर्म संघ में आचार्य भिक्षु ने भी वो जो दीक्षा ग्रहण की थी, और तब से मान लो हमारा ये धर्म संघ उस दिन से मान लें प्रारंभ हुआ था। और आचार्य भिक्षु स्वयं आचार्य थे, दीक्षा देने वाले थे, और वे अपने ढंग से दीक्षार्थियों की परीक्षा भी करते ही रहे होंगे, की भी होगी ऐसी संभावना की जा सकती है। मुनि श्री हेमराज जी स्वामी को तैयार करने में लगता है भिक्षु स्वामी का भी, भिक्षु स्वामी का योगदान था दीक्षा के लिए कृत संकल्प होने में। अरे हेमड़ा दीक्षा लेसी के तुम्हारे मरिया पछे, ऐसी एक प्रेरणा की बात उन्होंने फरमा दी। और मुनि श्री हेमराज जी स्वामी जो हेमराज जी थे गृहस्थावस्था में किस प्रकार मानो मुमुक्षु बन गए थे। मुमुक्षु नाम उस समय नहीं भी रहा हो पर वो मुमुक्षु बन गए, दीक्षार्थी बन गए। हमारे धर्म संघ में परम पूजनीय आचार्यों ने और परम पूजनीय आचार्यों की निश्रा में साधु साधियों ने
दीक्षा देने का कार्य किया है, किया जाता है। अधिकांशतया तो दीक्षाएं परम पूजनीय आचार्यों के द्वारा संपन्न हुई है, परंतु अनेक अनेक मुमुक्षु साधु साधियों के द्वारा भी दीक्षित हुए हैं। दीक्षा बहुत बड़ी चीज है, उस बहुत बड़ी चीज के लिए तैयारी भी अच्छी हो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के समय में मानो यह चिंतन पुष्ट हुआ कि दीक्षा से पहले शिक्षा हो और परीक्षा भी साथ में हो, समीक्षा भी हो। मानो यह शिक्षा परीक्षा या शिक्षा के चिंतन के इर्द गिर्द जब सुई घूमी होगी, तब इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था की कल्पना ने मजबूती को प्राप्त किया होगा। और एक बड़ी महनीय संस्था परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पावन सान्निध्य में, उनकी निश्रा में प्रारंभ हुई विक्रम संवत 2005 में, और परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, और वह संस्था पारमार्थिक शिक्षण संस्था नाम से प्रतिष्ठित हुई है और आज अपने 75वें वर्ष में चल रही है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में बहुलांश भाग तो यों मान लें बाइयों का होता है, पर एक अंश पुरुषों का भी होता है। हमारे संत जो बने हैं, संभवतः अनेक संत भी दीक्षा से पूर्व पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अंतर्गत रहे हैं। संभवतः मुनि दिनेश जी ये भी बच्चे थे, लाडनों में गुरुदेव विराजते थे, तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रहे थे ना, दो महीने रहे थे, अच्छा नौ महीने। हाँ, ऐसे और भी खोजने से अनेक, ये तो पुराने संतों में भी हमारे कोई कोई हो सकता है पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े रहे थे। और वर्तमान में जो व्यवस्था है, आज भी अनेक बालक या युवा या प्रौढ़ जो भी अवस्था पुरुष हैं, वे आज भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तत्वावधान में हमारे यहाँ गुरुकुलवास में रहा करते हैं। तत्वावधान उनका भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था का, संभवतः हमारे अभी भी हैं ये बैरागी दीक्षार्थी, तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तत्वावधान में हैं डॉक्टर मुनि कीर्ति कुमार, जो इन पुरुष मुमुक्षुओं की देखरेख में मुख्यतया भूमिका हमारे इंगितानुसार निभाया करता है। तो जैसे बाइयों का तो बहुलांश भाग है ही, पर पुरुषों का भी एक विंग है जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारे और संतों की देखरेख में उनका क्रम अध्ययन आदि का चलता है। वैसे प्रबंधन के हिसाब से एक औपचारिक या ऑफिशियल जिम्मेवार माने तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था या बैनर तत्वावधान संभवतः पारमार्थिक शिक्षण संस्था का रहता है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था तेरा हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ संघ की एक बहुत ही उपयोगितापूर्ण संस्था है। आज ट्रेनिंग के साथ जो दीक्षाएं होती हैं, आज पुराने जमाने में हम देखें जब परम पूज्य कालूगणी का समय था और भी पहले का समय था, गुरुदेव तुलसी के प्रारंभिक आचार्य काल वर्षों का समय था, तो हमारा साध्वी समुदाय इतना शिक्षित नहीं था। संभवतः बढ़िया उच्चारण भी करने वाली कितनी साध्वियाँ उस समय रही होंगी, एक यह स्थिति थी। और आज स्थिति में कितना बड़ा बदलाव आ गया है, मुमुक्ष साध्वियाँ तो दूर की बात है, मुमुक्षु बाइयाँ भी कई कई ये भाषण देती है, ये प्रस्तुतियाँ करती हैं, तो संभवतः अच्छी एक प्रस्तुति अभी भी जो स्वर आवाज़ आ रही थी मुमुक्षु अच्छी काफ़ी व्यवस्थित
प्रस्तुति दी जा रही थी, तो साध्वियां तो दूर, समणियां भी कुछ दूर, मुमुक्षु बाइयां भी आज ट्रेंड हो रही है, जगह जगह जाती है, पर्यूषण करती है, विदेश देश ज़्यादा देश में। मैंने तो यहाँ तक एक बार हमने भीलवाड़ा में चिंतन किया था कि विदेश में सेंटर वगैरह मुमुक्षु संभालती रहें, यहाँ तक वो बजरंग जी जैन भी थे, हमने वो एक निर्णय भी किया था कि मुमुक्षु बाइयां अमेरिका को सेंटर संभालती रहें, तो बाद में फिर वो पूरा इतना बैठा नहीं, आखिर वापिस समणियों का ही वो क्रम स्वीकार करना पड़ा। यानी इतना बड़ा उपयोग करने का भी हमने चिंतन कर लिया था कि अमेरिका में सेंटर से वो मुमुक्षु बाइयां संभालती रहें। खैर, तो मुमुक्षु बाइयां, इधर मुमुक्षु भाई पुरुष भी होते हैं, तो यह प्रशिक्षण की जो बात है वो प्रशिक्षित होकर दीक्षाएं होती है वो ज़्यादा समीचीन हो सकती हैं। पहले शिक्षा हो जाए, बीए एमए आदि आदि हो जाए, जितना जो होने का हो, और बाद में समणी साध्वी बने तो एक फाउंडेशन का क्रम अच्छा बन सकता है। तो आज जो समणियां साध्वियां हैं तो उनकी दीक्षा से पूर्व की ट्रेनिंग में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का कितना बड़ा योगदान है। यह संस्था ज़्यादा बोले न बोले, मुखरता हो न हो, और यह कोई ज़्यादा भाषण ज़्यादा ऐसे बलि यह संस्था न भी करे, परंतु कोई बोलते नहीं फिर भी वो काम होता है। तो हमने बॉम्बे में पहले वो देखा, वो बादल यहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, ज़्यादा गरजते नहीं थे, वर्षा हो जाती थी। हम बॉम्बे में वो घूम रहे थे, यहाँ भी रहे, तो कई दिनों तक संभवतः वो गरजने की आवाज़ प्रायः पहले पहले कभी सुनी नहीं, अचानक वर्षा शुरू हो जाती, वर्षा कभी बहुत तेज भी आ जाती, तो गरजते नहीं पर बरसते हैं। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था भले ज़्यादा भाषण और गरजे भले नहीं, पर काम अपने ढंग से जो ट्रेनिंग का निर्माण का है वो कार्य चल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का यह जो कार्य हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि हमें अब दीक्षित होने वाले, यानी खासकर ज़्यादा तो साध्वियाँ समणियाँ वो कुछ अंशों में ट्रेंड प्राप्त होते हैं, एक फाउंडेशन बहुलांशतया उनका तैयार हो जाता है। तो न केवल शिक्षा यानी भाषाई या विषयों की शिक्षा, यानी साथ में मूल परमार्थ की शिक्षा, क्योंकि इसका नाम तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था है, या तो परमार्थ की शिक्षा का बड़ा महत्व है, तो यह ट्रेनिंग और शिक्षा भी चाहिए, बीए एमए पीएचडी वो भी चाहिए, पर साथ में उसके भीतर वो पारमार्थिक शिक्षण चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था बहुत ही उपयोगी संस्था है, और कितने कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अतीत में कितने कितने बहुत समय लगाने वाले कार्यकर्ता हुए हैं, और आज भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। एक कार्यकर्ताओं का एक भौतिक या बाह्य साया संस्था को प्राप्त है, और आजकल तो वो कुछ दूर से ही फोन आदि की इतनी व्यवस्था की, दूर से ही भले संपर्क कर लो, बात कर लो, पुराने ज़माने में वो इतनी सुविधा नहीं थी, आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा भी दूर से ही लाडनों से संपर्क बातचीत का क्रम हो सकता है। और वर्तमान में तो ये समणियों, वैसे तो हमारी चारित हमारी अंतरंग रूप में तो वैसे साध्वी प्रमुखा जी, तो पहले तो साध्वी प्रमुखा जी खुद ही जब आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय तो संभवतः दायित्व सौंपा, ऑफिशियल बिना दायित्व सौंपे ऐसे ही संभाल कर लेती थी, सही, बिना उनको ऑफिशियल कभी जमा मुझे याद नहीं दिया, अपने आप थोड़ी मुमुक्षुओं की संभाल कर लेती, बाद में वो करती थी, फिर वो समणियों की भी संभाल आप करती थी, मुख्य नियोजिका थी, बाद में मैंने आपको थोड़ा इससे फ्री कर दिया, आपको थोड़ा सा मैंने साध्वियों की तरफ जोड़ दिया, साध्वी वरिया को इन कार्यों से संपृक्त कर दिया, और फिर साध्वी वरिया कई वर्षों से समण श्रेणी की भी और मुमुक्षु बाइयों की भी सार संभाल में लगी हुई है,
और ध्यान जितना मेरा आकलन है, मेरे पास भी वो जानकारी यदा कदा कोई बात आ जाती है और वो क्लास आज जो भी ध्यान दे रही है तो बहुत अच्छी बात है कि श्रवणियों की मुमुक्षुओं की एक वर्तमान में जो देख रेख का, वैसे हम तो हैं ही, हमारे अंतर्गत फिर साध्वी वरिया विशेषतया एक दायित्व योग के साथ ये संभवतया कार्य देख रही है। तो साध्वी वरिया तो है ही, पर वो डे टू डे लाडनों में तो साध्वी वरिया रहती, वो तो हमारे साथ प्राय रहती है, तो लाडनों में श्रवणियाँ रहती है। तो यह बहुत सुंदर बात है कि लाडनों में श्रवणियाँ पास की पास है, वो तो पास की पास है। तो अभी जो ऋजु प्रज्ञा जी का वो श्रेयस प्रज्ञा, तो श्रवणियाँ पास की पास है, वो जितना आसानी से ध्यान एक अंतरंग जो संभाल है, संस्कार निर्माण अंतरंग को स्थितियाँ, उनमें ध्यान देने में श्रवणियों का बड़ा योगदान हो सकता है, होना भी चाहिए। और फिर बाह्य व्यवस्थाओं में ये खासकर जो अधिकारी लोग हैं, संयोजक भी कई डे टू डे रूप में वहाँ जो रहने वाले हैं, उनका भी अपना जो भी बाह्य और दायित्व है, इधर अध्यक्ष आदि आदि मंडल है, जो कुल मिलाकर के यह संस्था अपने आप में एक थोड़ी हटकर कैसी संस्था है। और संस्थाओं के अधिवेशनों का थोड़ा अलग रूप होता है, और संस्थाओं के हमारे संयोजक मुनि दिनेश जी भी, और संस्थाओं को समय जो देना होता है भी 15 मिनट दो 20 मिनट दो, इतना दो इतनी, वो सीमाएं, अब यहाँ सीमा सब पार हो गई, यहाँ कोई 15 मिनट की बात नहीं रही, न 3 प्रस्तुतियों की बात रही, सारी सीमाएँ समाप्त हो गई, और सीमा से असीमता की सीमा लो। तो यह अलग तरह की संस्था है, हमने एक दिन बात भी की थी, सोचा यह संस्था अलग तरह की है, इस संस्था को अन्य संस्थाओं के साथ तुलना करके अन्य संस्थाओं के समान इस संस्था पर रूल्स लगाना ठीक नहीं होगा, इसकी अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके अधिवेशन में हमने वो सामान्य जो नियम हैं श्रावक संदेशिका में, उन नियमों से हटकर थोड़ा संशोधन करके भी आज के अधिवेशन का यह एक सीमातीत या सामान्य सीमा से कुछ अलग नियम बना करके एक प्रारूप स्वीकार किया। तो विकास की जो बात है कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहते रहते बढ़िया विकास हो जाए, और इसलिए झटपट दीक्षा नहीं, पहले कभी कभी हम लोग कभी ठीक है एक साल में दीक्षा दे दो, बिना संस्था में गए भी दीक्षा, इस अरसे में हमने सोचा भी इतनी इसमें ढील न करें कि शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद दीक्षा होना सामान्यतया ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारी श्रवणियाँ जो रहती है वो ध्यान, वो मतलब उनमें संस्कारों का जो निर्माण की बात है, अनेक बातें अभी हमने जानी है, और वैसे हमारा दूर से कैसे यत्किंचित संपर्क है, तो वहाँ वो साधना के संस्कार, संयम के संस्कार वो रहने चाहिए। और मुमुक्षु भाइयाँ भी इस संस्था से जो जुड़ी हुई हैं, उनको कितना बढ़िया मौका मिला है, दुनिया में और कितनी कॉलेज होंगी और कितनी पता नहीं स्कूल्स होंगी, और ये अपने ढंग की स्कूल कह दें, कॉलेज कह दें, ब्राह्मी विद्यापीठ है, अपने ढंग की है। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से मेरा वैसे बहुत पुराना संपर्क है, मैं संस्था में बैरागी के रूप में नहीं रहा, पर मैं संस्था के मकान में मैंने प्रवास किया है दीक्षा के बाद में, तो 7वीं पट्टी का वहाँ मैंने कई दिनों तक कुछ प्रवास किया था यहाँ। और पहले मैं जब लाडनों में था तो संभवतः गुरुदेव तुलसी का संभवतः इंगित आया था कि मुमुक्षु भाइयों को पढ़ाना है, मुदित है लाडनों में, तो मुदित पढ़ा दिया करे था। तो मैं ठिकाने जैन विश्व भारती से चल करके 7वीं पट्टी में वहाँ जाकर के पढ़ा था मुमुक्षु भाइयों को, ऐसा नहीं कि ठिकाने में भाइयों को बुला लिया वहाँ, ऐसे नहीं करते, मैं तो एज ए टीचर वहाँ जाता, उनके मकान में जाता, वहाँ ब्राह्मी विद्यापीठ वाले वो क्लास के रूम थे, वहाँ एज ए टीचर वहाँ मैं पढ़ाता। तो वहाँ उस रूप में नहीं कि मैं भाइयों को ठिकाने में ही पढ़ाता, वहाँ जाकर के पढ़ाता। इसलिए मेरा पारमार्थिक शिक्षण संस्था से पुराना वैसे बहुत निकट का इस रूप में संपर्क रहा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय, तो आचार्य श्री के समय ये व्यवस्थाएं चली,
आप साथ याद होगा, अंतरंग व्यवस्था कौन देखे, बहिरंग व्यवस्था कौन, आदि आदि हमारा चिंतन व लिखित व्यवस्था की गई थी। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विराजमानता के समय में भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था पर यूँ ध्यान दिया गया। फिर हमने तो एक अनुशासन संहिता भी निर्धारित कर दी, छोटी सी बुकलेट सी तैयार हो गई, और जो साध्वी वर्या भी यदा कदा उसके नियम आदि के संपर्क में बात करती है तो वो एक हमने बुकलेट सी तैयार कर दी कि मुमुक्षु श्रेणी की अनुशासन संहिता। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में यो विकास संभवतः हुआ है, और अब तो जैन विश्व भारती में ही पारमार्थिक शिक्षण संस्था का मकान है, और यह तो वह मकान है जहाँ योगक्षेम वर्ष में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी और कितना बड़ा साध्वी समुदाय वहाँ रहा था, और कई बार उसके बाद भी अमृतायन में साध्वी समुदाय का प्रवास होता रहा है।